दोस्तों आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जिन दो बाइक्स का कंपेयर करने वाले हैं वो दोनों बाइक सेम बाइक है, यानी कि एक ही कंपनी की एक ही नाम की दो बाइक्स हैं। और यहाँ पे जो पहली बाइक है वो है यहाँ पे हीरो की हीरो सुपर स्प्लेंडर, जिसमें आपको लेटा हुआ इंजन देखने को मिलता है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल इंजन कहते हैं। और यहीं पर जो दूसरी बाइक है वो है हीरो के ही सुपर स्प्लेंडर, जिसे हम न्यू सुपर स्प्लेंडर के नाम से जानते हैं, जिसमें आपको वर्टिकल इंजन यानी कि खड़ा इंजन देखने को मिलता है। और इनकी प्राइस रेंज में आपको सिर्फ 2 से 3 हज़ार का फर्क देखने को मिलता है। लेकिन ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर हम एजेंसी में जाते हैं अपनी फेवरेट बाइक सुपर स्प्लेंडर लेने के लिए, तो वहाँ पे ये दोनों वेरिएंट हमारे सामने आते हैं, फिर हमको कन्फ्यूजन बढ़ जाता है कि हमें कौन सी बाइक इसमें लेनी चाहिए, क्या हमें अभी भी पुराने पे विश्वास करना चाहिए या फिर हमें कुछ नया ट्राई करनी चाहिए। तो नो डाउट कि इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि हम जो आपका कंपेयर करेंगे आज की इस वीडियो में वो प्राइस, माइलेज, लुक, फीचर्स, इंजन टाइप, ब्रेक, सारी चीज़ों का कंपेयर रहेगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेहनत आपको पसंद आए तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके प्राइस को लेके। प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो प्राइस की अगर बात करें तो यहां पे दोनों के प्राइस में सिर्फ 3 से 4 हज़ार का अंतर देखने को मिलेगा। बात अगर करें कि तो किसी किसी रीजन में 2 से 3 हज़ार का अंतर ही देखने को मिलेगा, बट यहां पे जो सुपर स्प्लेंडर आपको वर्टिकल इंजन के साथ आती है यानी खड़े इंजन के साथ आती है, उसका जो ऑन रोड प्राइस आता है लगभग 71 हज़ार से 72 हज़ार के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहीं पे हीरो सुपर स्प्लेंडर जो आती है, जहां पे आपको हॉरिजॉन्टल इंजन मिलता है, लेटा हुआ इंजन मिलता है, जिसे हम ओल्ड मॉडल भी जानते हैं, वो आपको लगभग 69 हज़ार, लगभग 69,000 का देखने को मिलेगी। तो ये देखिए दोनों के प्राइस में सिर्फ आपको 3 से 3.5-4 हज़ार का अंतर देखने को मिल रहा है। अब इस अंतर में आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती हैं, क्या एक्स्ट्रा मिलती हैं, ये भी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। बात अब इनके माइलेज की कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो लेट इंजन वाली सुपर स्प्लेंडर है यानी ओल्ड मॉडल है, उसका जो माइलेज आपको मिलता है वो 60 to 65 का देखने को मिल जाता है। इसका रियल माइलेज क्या है, जो इनके ओनर है उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमसे जो है अपना जो एक्सपीरियंस है वो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम आपको कंपनी क्लेम्ड से हटकर थोड़ा सा अपनी तरफ से ये जो माइलेज है वो हम आपको बता रहे हैं। कंपनी क्लेम करती है कि 75 तक का इसका माइलेज आता है, बट इतना माइलेज इसका नहीं आ पाता है। 60 to 65 तक का इसका माइलेज हम गेन कर सकते हैं। इसमें 13 लीटर का फ्यूल टैंक लगाया गया है और इसकी जो टॉप स्पीड निकल के आती है वो आती है 95 प्लस की। यहीं पे अगर हम बढ़ते हैं न्यू सुपर स्प्लेंडर की तरफ, जिसमें आपको खड़ा इंजन देखने को मिलता है, उसका जो माइलेज निकल के आता है वो 58 टू 60 तक का आता है। अब यहाँ पे पुरानी मॉडल से जो न्यू मॉडल है उसका माइलेज थोड़ा सा कम आपको देखने को मिलेगा। अब ये कम क्यों है ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। इसमें भी आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक लगाया गया है, साथ ही साथ इसकी टॉप स्पीड 100 प्लस है, यानी कि ओल्ड मॉडल से इसकी टॉप स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, ये भी आपको आगे पता चल जाएगा। बात अब इनके लुक पे आते हैं। तो लुक आप पे प्रेफर करता है, क्योंकि दोनों बाइक लगभग सेम दिखती हैं, लेकिन नए मॉडल में आपको बैक साइड काफ़ी डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक प्रीमियम और अच्छा लुक, फ्रेश लुक देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं कि हर सीजन में एक नया अपग्रेड, वही चीज़ इसमें करी गई है, एक अपग्रेड है हीरो वालों की तरफ से। तो लुक आप पे प्रेफर करता है, सारे कलर सेम आते हैं दोनों बाइक्स के। तो जो लुक आपको अच्छा लगे जरूर कमेंट में हमें बताइएगा कि दोनों में आपको कौन किस बाइक का ज़्यादा लुक अच्छा लगता है। अब आते हैं इनके फीचर्स पे। तो आपको बता दें कि इन दोनों में IBS और I3S दोनों चीज़ दोनों में मिलती है। ये एक बढ़िया ब्रेकिंग सिस्टम है, जिसमें आप अगर इसका फ्रंट ब्रेक या रियर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फ्रंट ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। ये इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम इन दोनों बाइक्स में अपग्रेड हो चुकी है, और साथ ही साथ इनमें I3S मिलता है। I3S से आपकी फ्यूल इफिशियंसी काफ़ी बेहतर रहती है। भीड़ के समय अगर आप अपनी बाइक को रोकते हैं तो कुछ समय बाद जो है बाइक अपने आप बंद हो जाती है, और जैसे ही आप क्लच का यूज़ करते हैं तो बाइक ऑन हो जाती है। इससे फ्यूल इफिशियंसी में काफ़ी मदद मिल जाती है। बात अब इनकी इंजन पे आते हैं। तो इंजन से ही सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इंजन की अगर बात करें तो यहाँ पे जो लेटा हुआ इंजन के साथ आती है यानी ओल्ड मॉडल, उसमें आपको 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड का इंजन देखने को मिलेगा। 124.7 सीसी का इंजन लगाया गया, जो मैक्स पावर जनरेट करता है 9 BHP की 7000 RPM पे, और मैक्स टॉर्क 10.35 न्यूटन मीटर का, वो भी 4000 RPM पे। अब यहीं पे अगर हम बढ़ते हैं नए वाली सुपर न्यू सुपर स्प्लेंडर की तरफ, जिसमें आपको खड़ा इंजन देखने को मिलता है, इसमें भी आपको एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक का 124.7 सीसी का सेम इंजन लगाया गया है, लेकिन जो पावर जनरेट होती है वो होती है 11.1 BHP के 7500 RPM पे, और जो मैक्स टॉर्क जनरेट होती है वो होती है 11 Nm का टॉर्क, वो भी 6500 RPM पे। अब यहाँ पे आप सीधे सीधे डिफरेंट देख सकते हैं कि बाइक का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो सीसी है, वो एकदम सेम है, 124.7
1.7 cc, लेकिन जो पावर जनरेट हो रही है, जो मैक्स पावर निकल के आ रही है, वो दोनों बाइक में अलग है। यहाँ पे नई वाली जो सुपर स्प्लेंडर खड़े इंजन वाली है, इसमें जो पावर है वो पुरानी वाली सुपर से ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ज़्यादा टॉर्क भी देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि ज़्यादा पावर और ज़्यादा टॉर्क होने की वजह से माइलेज इसका कम पड़ जाता है पुरानी वाली से, लेकिन जो टॉप स्पीड है वो पुरानी वाली से ज़्यादा देखने को मिल जाती है। चलिए अब आते हैं इनके टायर्स एंड ब्रेक्स पे। तो दोनों में एकदम सेम आपको 80x100 का फ्रंट टायर देखने को मिलेगा 18 इंच का, और रियर में आपको 80x100 का 18 इंच का टायर देखने को मिलेगा। अब जो डिफरेंट है वो ये है कि नई वाली सुपर स्प्लेंडर में आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है और पुरानी वाली में ये अपग्रेड अभी नहीं है। बट इसे हम कोई ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है पुरानी वाली का, क्योंकि ये अपग्रेड कभी भी हो सकता है, ऑन द स्पॉट हो सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और नए स्टॉक में और यहाँ पे ट्यूबलेस टायर कंपनी ऐड कर देगी। तो इसे हम बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं मानेंगे दोनों बाइक को लेकर। अब आते हैं इसमें सस्पेंशन पे। तो सस्पेंशन भी दोनों बाइक का एकदम सेम है। फ्रंट में आपको मिलेगा टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर और रियर में आपको मिलेगा यहाँ पे रेक्टेंगुलर स्विंग आर्म विथ 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर। ये सस्पेंस दोनों में एकदम सेम लगाए गए हैं। मीटर कंसोल भी लगभग दोनों में सेम है, उसमें कोई चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। आते हैं इनके डायमेंशन पे। यहाँ पे आपको कुछ परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो लेंथ निकल के आती है लेटे वाले इंजन की, जो लेंथ निकल के आती है वो आती 1995 mm की, जो इसका हाइट निकल के आती है वो आती 1076 mm की, जो इसका व्हील बेस निकल के आता है वो आता है 1267 mm का, जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस आता है वो आता है 150 mm का, और जो इसकी ओवरऑल वेट आता है वो आता है 123 kg का। और यहीं पे न्यू सुपर स्प्लेंडर यानी खड़े इंजन की बात करें तो इसका लेंथ है 2008 mm का, हाइट है इसकी 1080 mm की, व्हील बेस है इसका 1261 mm का, और जिसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है 161 mm का, और जिसकी वेट है वो है 125 kg का। यानी अगर लंबाई की बात करें तो यहाँ पे जो नई वाली है सुपर स्प्लेंडर वो पुरानी वाली से लंबाई में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो नई वाली का ग्राउंड क्लियरेंस पुरानी वाली के ग्राउंड क्लियरेंस से ज़्यादा है, 161 है और पुरानी वाली का 150 है। और वेट में भी आपको 1 से 2 किलो का केजी का लगभग वेट देखने को मिल जाएगा। तो ये एक डिफरेंट है इन दोनों बाइक्स में। जो मैंने आपको बता दी, जो सबसे मेन डिफरेंट था वो इनके इंजन के पावर और टॉर्क को लेके था, और उसी वजह से इनकी टॉप स्पीड भी चेंज हो गई और इनका माइलेज भी चेंज हो गया। इन दोनों बाइक में आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है हमसे कमेंट में आप जरूर शेयर कीजिएगा। अब आते हैं हम अपने फाइनल ओपिनियन पे। तो दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ पे 2 से 3 हज़ार का अंतर तो आपको देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी पावर ज़्यादा चाहिए, थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा चाहिए, टॉप स्पीड के आप बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो आप नई वाली सुपर स्प्लेंडर के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज पुराने पे भरोसा हमेशा से रहा है लोगों का, बहुत अच्छा उसका रिव्यू रहा है, जो यूजर रिव्यू रहा है बहुत तगड़ा रहा है, तो आप पुरानी वाली के साथ भी जा सकते हैं। नए वाली में ज़्यादातर शिकायत आती है कि इसमें आवाज़ इंजन से थोड़ी सी आवाज़ आती है, प्लस चेन स्प्रॉकेट में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम सच में अगर आपको फेस हो रही है, बहुत सारे लोगों को फेस हो रही है, तो फिर आप नए को छोड़ के पुराने में जा सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि आप अपने बजट को देख लीजिए, अपने रिलैक्सेशन को देख लीजिए, अपनी राइडिंग स्टाइल को देख लीजिए, जो आपको सही लगे वो आप ले लीजिए। मेरी तरफ से आप पुरानी को ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है, उस पर लोगों का अभी भी बहुत ज़्यादा विश्वास है। और अगर आप नए को लेना चाहें, ज़्यादा पावर और टॉर्क आपको चाहिए, तो आप नए वाले के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको एक नया और फ्रेश लुक भी देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा ओपिनियन था, हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो कुछ नए फ्रेश अपडेट्स के साथ, और वीडियो कैसी लगी हमसे कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक मेरे सभी दोस्त